हिस्ट्री की, जब मेडिवल हिस्ट्री की बात होती है तो औरंगजेब के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको वन लाइनर आपको बता सकता हूँ मैं। औरंगजेब जो है ये मुगल एम्पायर का एक राजा था, इसने रूल किया 1658 से 1707 में। आलमगीर इसको टाइटल दिया गया था, इसको जिंदा पीर कहा जाता था, इसको ही दरवेश भी कहते थे। आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को हराने के बाद औरंगजेब को दिल्ली में ताज पहनाया गया, किस टाइटल के अंदर, टाइटल था आलमगीर। इसकी डेथ होती है 1707 में फरवरी में, तो कब होती है, कहाँ पे, अहमदनगर में। सिखों के 9th गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी को इसने कैप्चर किया और इसने एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद बात करें 10th सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने क्या किया, ये बेटे थे गुरु तेज बहादुर जी के, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, एक वॉरियर्स की कम्युनिटी बनाई जो, जिसका नाम रखा गया खालसा, और ये खालसा जो थे वो अगेंस्ट थे मुस्लिम्स के। नेक्स्ट बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे हैं वो सबसे बड़े शत्रु थे आलमगीर के, औरंगजेब के। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में एनेक्स किया, गोलकोंडा को 1687 में एनेक्स किया। मुगल अंपायर अपनी चरम सीमा पर इसी के टाइम पे पहुंचा था, औरंगजेब के टाइम पे। यही वो आदमी है, यही वो राजा था जिसने कॉइन से कलमा हटाया था, सती प्रथा पर रोक लगाई, जारोखा दर्शन जो थे इस पर भी इसने रोक लगाई थी, नवरोज फेस्टिवल जो होता है उसको इसने ख़त्म किया, लेकिन जिजिया जो था वो उसने फिर से लागू कर दिया 1679 में। नक्शबंदिया ऑर्डर जो है वो इसी के रिलेटेड है। बात करें इसके मॉन्यूमेंट्स की तो बीबी का मकबरा जो है इसने बनाया है, इसकी बीबी का नाम था रबौद दुरानी। मोती मस्जिद जो लाल किले में है वो भी इसने बनवाई है, और बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में वो भी इसने बनाई है। अब बात करते हैं कौन कौन से रेबिलियंस औरंगजेब के टाइम पे हुए। 3 रेबिलियंस मेन कहते हैं, जाट पेजेंट्री मथुरा में हुई थी, सतनामी पेजेंट्री पंजाब में हुई थी, और बुंदेलस पेजेंट्री बुंदेलखंड में हुई थी। तो ये था जितने भी इम्पोर्टेंट आपके औरंगजेब और आलमगीर टाइम के बनते हैं वो सब इसमें कवर हुए।